ट्रैक्स हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि फ्लाइट ट्रैक कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर से। तो आज हम आप लोगों को ये बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में टाइप करेंगे फ्लाइट राडार 24 और सर्च कर देंगे। जैसे सर्च कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसे यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं इसी को ओपन करेंगे। और जैसे कि ये देखिए ओपन हो गया पेज। तो आपको हम बता दें कि ये राडार फ्लाइट राडार 24 जो है ये आपको एंड्रॉयड ऐप में भी मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, आपको ऐप स्टोर में एप्पल में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें बहुत सारे फ्लाइट लोकेट कर रही है और हमने यहाँ पे लोकेट किया है दिल्ली, क्योंकि कंप्यूटर में इसमें लोकेट किया जाता है। तो आप कुछ भी से लोकेट कर सकते हो। जैसे भी मैं कोई फ्लाइट को यहाँ पे ट्रैक करूँगा उससे। अब हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे मेरा दिल्ली सेलेक्ट है, तो यहाँ पे दिल्ली पे जाने के ये वाला फ्लाइट अभी इसके लैंडिंग है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कौन सी फ्लाइट है, लिखा है बॉम्बे टू दिल्ली। तो ये इसके लैंडिंग का टाइम हो चुका है, 18:50 पे इसकी लैंडिंग है। मतलब अभी यहाँ पे 6:47 हो रहा है, मतलब अभी 3 मिनट बाद इसकी लैंडिंग होगी। 8 किलोमीटर रह गया है इसका, और इसी की जस्ट बगल में आप देख सकते हैं कितनी देर लगे, 2 मिनट लगेगी अभी इसको लैंडिंग करने में। यहाँ पे एयर बस भी है A320-314, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे आप पता कर सकते हैं आपकी फ्लाइट कितनी फिट ऊपर चल रही है। तो ये अभी लैंडिंग की पोजीशन पे आ रही है, ज़मीन के हिसाब से ऊपर जितनी ऊंचाई पे यहाँ चलती है उसी का वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे अभी आपको बता रहा है 2175 फीट ऊपर जा रही है और ट्रैक में 271 डिग्री पर चल रही है। इसकी जो है स्पीड है 134 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपको बता दें जो 3D का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अब ये आपको उस प्लेन के पास ले जाएगा जहाँ पे वो प्लेन चल रहा होगा, वहीं से आपको लोकेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपका मैप, मैप में आपको दिखाई दे रहा है दिल्ली रेलवे फ्लाइट, और यहाँ पे मेरी फ्लाइट आ चुकी है। यहाँ पे आपको भी पृथ्वी का नज़ारा भी दिखाई देखने को तो मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि ये फ्लाइट है, अब इसको मैं घुमा भी सकता हूँ। देखो किसी भी पोजीशन में मैं पूरी पोजीशन में मैं जा चुके घुमा भी सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इवनिंग टाइम का समय है वो, देखिए। अब इसको हम देखना चाहेंगे नीचे की तरफ, ठीक है। ये देखिए अब इसकी लैंडिंग का टाइम हो रहा है, तो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ की थोड़ी सी स्क्रीन जो है इसकी, इसका समय पूरा हो चुका है लैंडिंग का। यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर बता रहा है अभी इसकी होगी, तो जो लैंडिंग का टाइम है हमें दिखाई लग रहा है कि लैंडिंग होगी। तो आपको भी इसमें पूरे क्लियरिटी से पता लग जाएगा फ्लाइट की। एयरपोर्ट पे आपकी ये फ्लाइट पहुँच चुकी है, अभी देखिए थोड़ी देर में लैंडिंग मिलेगी। अभी देखिए थोड़ा नेटवर्क की उतना तेज मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, इसी तरह से फ्लाइट लैंडिंग ले रही है। लेकिन देखिए आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा आसानी से। इसमें से आप आसानी से लोकेट कर सकते हो और बढ़िया से पता भी कर सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लाइट अभी मेरी लैंडिंग की पोजीशन पहुंच रही है। अभी दिखा रहा है कि हवा में की पोजीशन में फ्लाइट को कर दिया गया है। देख लो यहाँ पे उड़ने की पोजीशन पे आ गई है, जिसे जमीन से ऊपर क्यों उठा लिया गया है। अब इसकी जो दूरी जा रही है वो बता रहा है 5 किलोमीटर। फ्लाइट को थोड़ी हवा ऊपरी पोजीशन पे ले लिया गया है। जैसा कि देखें थोड़ा सा ये ड्राइवर का ऑप्शन क्लिक करें, तो जो जहाँ पे आप जैसे पायलट बैठा वहाँ की स्क्रीन पे कैसे दिखाई दे रहा है वो भी कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। देखिए इसमें जितना ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है,
फ्लाइट को सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें इसी प्रकार आ रहा है, जैसे अभी कट करते हैं कोई और दूसरे को देख लेते हैं, जैसे कि हमें पता करना कुछ दूसरे फ्लाइट की, तो हम पता कर सकते हैं आसानी से। ये देखिए इससे कोई दूसरी फ्लाइट आए, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इसकी भी लैंडिंग का टाइम है, और इसमें आप ये पता कर सकते हैं आसानी से, जैसे एयरपोर्ट की लोकेट है यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करके आप पता भी कर सकते हैं कौन सी फ्लाइट की लैंडिंग है किसकी नहीं है, तो आपको यहाँ से आसानी से मालूम चले। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 34 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और कौन सी अराइवल हुई, कौन सी फ्लाइट अराइवल हुई, कौन सी डिपार्चर में गई, अब कौन ऑन राउंड पे हैं, तो आपको सब पता लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अहमदाबाद की जो है गो एयर A320 एयर के जैसे आप देख सकते हैं आसानी से 7:30 इसकी फ्लाइट की रवानगी है, तो आप देख रहे हैं 7 बज चुकी है, 7 बजने के बाद ये आप मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं गुवाहाटी स्पाइस जेट, आप ऐसे पता कर सकते हैं कौन से फ्लाइट का अराइवल हो चुकी हैं। यहाँ पे डिपार्चर पे जाएंगे तो डिपार्चर पे जैसे क्लिक करेंगे तो डिपार्चर में जो जो फ्लाइट अभी चली गई हैं आपको आसानी से जाने वाली हैं उनके भी बारे में आपको पता लगेगा। ये देख रहे हैं 6:55 पे आपको मिल जाएगा अहमदाबाद स्पाइस जेट जा रही है, तो आप ऐसे इसमें आसानी से पता कर सकते हैं। और हम ग्राउंड में आपको बहुत ये थोड़ी सी आप लोगों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो बस इसमें बहुत सारे टेक्निकल्स आते हैं, तो आप ये दोनों समझिए। यहाँ पे देख रहे हैं आप 18:53 हो रहा है इसी घड़ी के साथ, और जो डिपार्चर में 3 मिनट में अभी फ्लाइट यहाँ से चली जाएगी स्पाइस जेट अहमदाबाद की जो है, तो ऐसे में आप इसको आसानी से पता कर सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।